अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, तो हमें थोड़ी सी ये बात करनी थी। कल जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, लोगों के लिए करी थी कि भाई आजकल महंगाई का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया है और इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग अपनी ग्रोसरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हमने उनकी आसानी के लिए मरकज़ी निगाह पे एक जाके वीडियो बनाई थी जो कि लोगों को राशन कार्ड दे रहे हैं। तो भाई राशन कार्ड देने का मकसद क्या है? राशन कार्ड देने का मकसद ये है कि आपको आपकी ग्रोसरी में 20% से 50% तक डिस्काउंट। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर शुगर जो है आपको 120-125 बाहर मिल रही है तो यहाँ 65 मिलेगी। आटा ले लें, आटा अगर 1600 का अभी मार्केट रेट चल रहा है जिसमें से 10 किलो आपको मिलेगा तो यहाँ पे 1100 रुपये एक मिलेगा। मतलब इतनी छोटी सी अमाउंट में 500-600 रुपए का रिलीफ मिल रहा है, तो भाई क्यों हासिल ना करें। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्म्स उठाएं, क्या करें, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स लिखी है, इवन एड्रेस, व्हाट्सएप ग्रुप भी डाला है कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और ईजीली वहाँ से फॉर्म उठा सकते हैं। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ये तरीके ना मिले, मैं फॉर्म दिखा दूँ आपको कि आप इस फॉर्म को भर के क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये पूरी कराची के लिए मैसेज है। और भाई हम ये काम इस वजह से करते हैं कि भाई आप सबको माली तौर पे मदद नहीं कर सकता मैं, मगर एटलीस्ट मैं वो जगह बता सकता हूँ कि जहाँ पे लोगों को बेहद रिलीफ मिलेगा और उनकी ग्रोसरी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी। कैद नहीं है लोकेशन की, कराची के किसी भी जगह से वो आ सकते हैं और ईज़िली आके इंटरटेन हो सकते हैं, अपनी नीड फुलफिल कर सकते हैं। तो भाई रुजू करें, महदूद कार्ड है, ज़्यादा नहीं है, इतने थोड़े भी नहीं है, मगर ये कि पूरा कराची कवर अप नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखें, ये एक इसमें देखें क्या है, ये मरकजी निगाह लिखा हुआ है। यही फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसका फोटोस्टेट भी चलेगा। यहाँ कार्ड नंबर आएगा, तारीख आएगी, नाम है, वल्दियत है, शनाख्ती कार्ड है, फ़ोन नंबर है, घर का पता, घर के अफराद कितने हैं, ज़रिया माश क्या है, मुलाजमत, तनख्वाह, ज़ाती घर है या किराए का, घर के सरबराह के दस्तखत। अच्छा, नोट ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि भाई कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिएगा, वरना इस सूरत में आपका कार्ड कैंसिल हो जाएगा और ये कार्ड नहीं मिलेगा आपको। 10-12 दिन का प्रोसेस होता है। ईजीली ये फॉर्म को भरें, NIC अटैच करें, मरकजी निगाह पे जाएं और दे दें। भाई इससे होगा क्या, लोगों के मसले बेहद हल हो जाएंगे और आपको राशन हाफ प्राइस में मिलना शुरू हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि जैसे एक घर है, 3 मंजिला है, उसमें 3 भाई रह रहे हैं, तो उनका क्या होना है? तो भाई उनके 3 राशन कार्ड बनेंगे और वो इजीली अपना राशन अवेल कर सकते हैं। तो भाई इस मौके से फ़ायदा उठाएं, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे। भाई देखिए, लोगों के लिए इस वजह से ही काम किया जाता है कि उनको रिलीफ हो, तो एटलीस्ट हम मदद नहीं कर सकते तो, मगर ये चीज़ स्प्रेड तो कर सकते हैं। हमारे स्प्रेड करने से अगर किसी का फ़ायदा हो जाए और वो घर में भूखा बैठा हुआ या उस आमदनी में उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो यार एक जरिया तो बन सकते हैं ना। तो भाई किसी की मदद कीजिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। जजाकल्ला भाई, जजाकल्ला, दुआ में याद रखें, जजाकल्ला।